कृतिका टेक्सटाइल, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? सास्तिका टेक्सटाइल, अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा, जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। सास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए ना, बहुत ही अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं, अब तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि बहुत आम सी बात है कि अभी अभी शाम के वक्त हम एक रिपोर्टिंग करके आए सड़क दुर्घटना की, कि किस तरीके से मरीना पार्क के बगल में जो सीधा रास्ता है, जो मरीना पार्क और स्टेडियम के बीच में लंबा सीधा रास्ता है, वहां पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। शुक्र है ऊपर वाले का कि उतना ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन एक रैश ड्राइविंग का मामला वहाँ पर हमारे सामने आया कि रफ ड्राइविंग की वजह से ये दुर्घटना हुई, जिसके लिए हम अपने हर एपिसोड में आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया ऐसे रफ ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग ना करें। ये ख़त्म करके हम जस्ट अपने घर पहुँचे ही थे कि हमें एक और कॉल आती है कि बहुत ख़तरनाक एक एक्सीडेंट हुआ है 11 चरमा में, ठीक रितिका डायग्नोस्टिक जो अस्पताल है उसके पास में ही। तो हमारी टीम जो है तुरंत वहां पहुंचती है और हम देखते हैं कि वहां पर एक ग्रैंड i10 कार जो है बहुत बुरी अवस्था में पाई जाती है। उसका जो है लेफ्ट साइड का, सामने का जो बोनट का लेफ्ट साइड का हिस्सा है, वो बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में पाया जाता है। और ठीक उसके पीछे थोड़ी दूर पे जब हम देखते हैं कि सड़क के किनारे में मोटरसाइकिल है जिसके साथ इसकी भिड़ंत हुई थी बीच रास्ते में, उसकी हालत देखकर तो मानो ऐसा लगा कि न जाने वो व्यक्ति बचा होगा भी या नहीं। लेकिन फिर हम अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचने पे हमें इस सड़क दुर्घटना के जो चश्मदीद है वो हमें मिलते हैं, देवशीष बिश्वास जी और उनकी धर्मपत्नी अनामिका जी, और वे हमें जो है पूरी बात बताते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो मोटरसाइकिल वाला है ठीक उनके सामने ही था जब ये हादसा हुआ, जब ये ग्रैंड i10 में सवार जो व्यक्ति है जो एक मिडिल एज मैन है, और हमें सूत्रों से हमें पता चला कि वो जो है IRBN का स्टाफ है, यानी कि हमारा रक्षक। और सूत्रों ने यह भी बताया, चश्मदीदों ने भी यह बताया कि वो जो IRBN का स्टाफ है जो ग्रैंड i10 गाड़ी में सवार था, जिसने ये दुर्घटना को अंजाम दिया, वो बहुत बुरी तरह नशे की हालत में देखा गया। वो जो है ओवरटेक कर रहा था, 11 चरमा से भातुबस्ती की तरफ जा रहा था, और ये जो टू व्हीलर है जो भातुबस्ती से 11 चरमा की तरफ अपने किसी काम से जा रहा था, सूत्रों ने हमें ये बताया कि उनका नाम मिस्टर मरियप्पन है, 39 बरस के प्राइवेट व्हीकल ड्राइवर हैं, और जो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ वे काम करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, कभी उनके नाम का कोई चालान नहीं कटा। ये हमें जो है जो गाड़ी के ओनर है जिनका गाड़ी मरियप्पन जी चलाते हैं उन्होंने खुद हमें बताया। मिश्रा जी, हमने उनसे भी बात की, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही भले इंसान है, दो लड़कियों के पिताजी हैं वो, और पिछले लगभग 5 बरस से उनकी कार ड्राइव करते हैं वो, लेकिन कभी उनसे
कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली। इस वजह से वे खुद यहां पर इस वक्त जीबी पंत अस्पताल में मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कि मरियप्पन जी को अगर किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो वे अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोगों को वो जो चश्मदीद है जिन्होंने अपने आंखों से ये पूरा हादसा इस पूरे घटना को देखा था, हम उनसे हुई बातचीत आप लोगों को सुनाते हैं। अभी अभी ऋतिका डायग्नोस्टिक के सामने जो इतनी खतरनाक एक्सीडेंट हुई है उसका जो चश्मदीद है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने क्या देखा और वो क्या बताना चाहते हैं। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम देवाशीष विश्वास है, मैं गारेश्वर मेडिकल में रहने वाला हूँ। ओके जी, मैं जब आ रहा था मेरा सामने ही वो बाइक वाला था जी। तो आप कहां से आ रहे थे? जी मैं भातुबस्ती की तरफ से आ रहा था। ओके, भातुबस्ती से ग्यारह चरमा की तरफ जी। और वो जो बाइक वाला था जिनका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे जस्ट सामने में थे, वो भी भातुबस्ती की तरफ से ही जा रहे थे, मतलब सिपीघाट तरफ जा रहे थे। और जो कार वाला था जिनका जो एक्सीडेंट किए वो सिपीघाट की तरफ से आ रहे थे। ओके, तो वो सडनली सामने से एक गाड़ी आया तो उनको ओवरटेक करने के लिए वो हमारा लेन पे घुसे। ओके, इस तरफ आ गए। हाँ जी, हमारा लेन पे घुसे और मेरे आंखों के सामने में ही वो बाइक वाला को मार के एक्सीडेंट कर दिए, उड़ा दिए। वो जो आदमी है जिनका एक्सीडेंट हुआ जो बाइक वाला था वो गाड़ी के ऊपर में उनका सर लगा, कांच क्रैक हो गया और गाड़ी के ऊपर से रोल आउट होके पीछे गिरा। ओ। और गाड़ी का तो बाइक देखे होंगे, बाइक का तो पूरा सामने से खत्म हो गया, लेकिन ये जो कार है उसके बाएं तरफ में एक्सीडेंट हुआ है। जी, वो ओवरटेक करने का टाइम पे बाइक वाला जिस तरफ में था उस तरीका से मारा है वो, ये ओवरटेक करके वापस अपना लेन में घुस रहे थे और वो आने का टाइम पे बीच में ये आ गए तो वो टाइम बारिश भी हो रहा था। लेकिन अगर गाड़ी इस तरफ से जा रही है उसके लेफ्ट साइड में अगर बाइक वाले से टक्कर हुआ है तो फिर गाड़ी इस तरफ गिरना था, गाड़ी तो इस तरफ पड़ी हुई है। नहीं, गाड़ी को बाद में साइड किया ना, गाड़ी को तो ब्रीच हिस्सा में था उसको बाद में साइड किया। आदमी जो था उसको हम और ये भाई हम लोग सब मिलकर साइड किए, ये भाई जो है ऑटो में चढ़ा के उनको यहाँ पे लेके आए और जो गाड़ी वाले थे वो भागने की कोशिश किया बट उनका जो एयर बैग था वो खुल गया था जिसका वजह से उनको दिखाई नहीं दिया और बहुत सारा पब्लिक जमा हो गया था जिसका वजह से भाग भी नहीं पाए और प्लस वो भी ड्रिंक किए हुए थे। तो वो क्या किए, वो उसको जब उतरने बोले तो वो उतरने से डिनाई कर रहे थे, उतर नहीं रहे थे। मैं उनसे बोल रहा था कि उनको जाके देखिए, उनका हालत खराब है, उनका सर में लगा है, सर से खून निकल रहा है। मैं जब देखा तब उनका नाक से भी ब्लीड निकल रहा था, टंग का यहाँ से भी ब्लीड निकल रहा था। तो उनको देखना छोड़ के वो गाड़ी में बैठे ही है। दोबारा जब कोई एक जन आया उनका गाड़ी का चाबी तान के बाहर निकाल दिया गुस्सा में आके, बहुत जन जमा हो गए थे। तब उनका सेकंड अप्रोच ये था कि कितना पैसा देना, ठीक है। जब वो गाड़ी से उतरे तो उनका पास मतलब चलने का हालत नहीं है, वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, वो उनका पास बिल्कुल भी अपना जो मतलब सेंस रहता है खड़ा होने का, बात करने का वो भी नहीं था। और साथ में बोल रहे कि मैं भी पुलिस वाला हूँ, वो पावर का पोजीशन में दिखा रहे कि क्या दिखा रहे, पैसा करो दिखा रहे, जो ये बोल रहे कितना पैसा देना करके, वो चीज गलत लगा हमें। तो वहाँ का सारा पब्लिक भड़क गया। फिर उनको बोले एटलीस्ट आप मेडिकल जाओ, मेडिकल जाके देखो। उनको तब तक मेडिकल पहुंचा दिया गया, इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो यहाँ तक आके यहाँ से भाग गया आगे। फिर उनको भाग गया मतलब वो चल चल के आगे चले गए। हाँ जी, वो चल चल के आगे चले गए, उनको भागने का सेंस नहीं था, चल चल के आगे चले। तब तक पुलिस नहीं आई थी? नहीं, तब पुलिस नहीं आए थे। तब आप लोगों ने पुलिस, सबसे पहले आप लोगों ने पुलिस को फोन करना? हाँ जी जी, हम लोग पुलिस वाले को फोन किए, वहाँ में जो थे उन लोगों ने फोन किया। पुलिस वाले तब तक आए, तब तक थोड़ा मतलब उनको टाइम लगता है, वो तो आते आते थोड़ा टाइम लग गया, तो तब तक वो थोड़ा आगे चले गए। तो उसके बाद मैं तो उनको देखने के लिए मेडिकल में आ गया। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस आए, पुलिस उनको वहाँ पे खड़ा होकर पूछताछ करने लगा। मैं वहाँ पे गया, मैंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ, मेरा आखिर के सामने एक्सीडेंट हुआ, वो ओवरटेक किया तब जाके इनका लेन में वो आया, तब जाके उसको लगा। और बाइक पहले यही तरफ था, लेन का ये तरफ में था, बाद में हम लोग बाइक को पकड़ के साइड किया क्योंकि वो ट्रैफिक जाम हो रहा था पूरा। जन पड़ा है वो दर्द से करा रहे थे, वो आ वो करके आवाज कर रहे थे, उनका हालत जैसा था मैंने खुद देखा है, बहुत जन देखे हैं। उनको ऑटो में चढ़ाया गया, उनका ये हाथ पूरा डिसलोकेट हो चुका है। अभी अभी उनकी स्थिति कैसे, जब अस्पताल में क्या बोला? अस्पताल में आए, यहाँ पे उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया गया, बाद में यहाँ से उनको जीबी पंत रेफर कर दिया गया। उनको इनका हेड में लगाया, उनको इतना तक याद नहीं उनका फैमिली मेंबर का नंबर क्या है करके। बाद में बहुत मुश्किल से उनका आधार कार्ड से नंबर वगैरह लेके उनको कोई यहाँ पे दो तीन जन पहचानते थे, मरियप्पन नाम है, मरियप्पन जी। वो बोल उनका एड्रेस जो आधार कार्ड में लिखा है वो बोल रहे थे कि वो प्रातरापुर जो हम लोग का डॉग स्क्वाड जी वहाँ पे वो रहने वाले हैं। मैं जब से मेडिकल आई हूँ मैंने ही थाना में फोन किया है। तो फोन करने का बाद जो है सर उन लोग आ गया, आने का बाद हम एक चीज देखा सर, पुलिस वाले लोग जो है सही नहीं कर रहे थे सर। मैं घड़ी घड़ी पूछ रही थी जो एक्सीडेंट कराया पुलिस वाला है, ओके फाइन, उनका मेडिकल अभी तक क्यों नहीं हुआ, मेरा सवाल ये है। बोलते उनका पहले ट्रीटमेंट होने दीजिए फिर इसका मेडिकल कराएंगे। नॉर्मली कहीं पे दारू पी के मारपीट होने से साथ ही साथ दोनों का मेडिकल होता है, बट ये केस में क्यों नहीं हुआ। और जब अभी वो कार वाले भाई साहब है वो कहाँ है? अभी
अभी वो पुलिस लोग लेके चले गए, अपना कस्टडी में लेके चले गए। हम पीछे से आवाज भी दिया, जो उनका बयान लेना है मीडिया खड़ा है, बट पुलिस वाला लोग भी एक आंसर नहीं किया, नो रिस्पॉन्स। जहाँ तक हमें लगता है कि पहले कानूनी तरीके से जो है उनको पुलिस थाने में पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद में जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से या बाद में बताया जाएगा। बट मेरा सामने जो हुआ है सर, वो है जब बंदा कार से उतर रहा था, ठीक से उतर नहीं पा रहा था, हिल रहा था, उनको ये कमर में यहाँ पे बेल्ट पकड़ के पुलिस लोग की मदद करके अंदर घुसा के लेके जा रहे थे। जो बंदा एकदम फिट है, बंदा इस तरह करके ऐसा मूड में जा रहा था जैसे कि बंदा नॉर्मल है। हम आग देख के डॉक्टर का सामने, पुलिस का सामने डायरेक्ट बोला ये बंदा पिया हुआ है। आपको क्या लग रहा है मैं पिया हुआ है? आपको तो नॉर्मल एक कॉमन सेंस है ना, पिया हुआ बंदा कैसे रहता है और जो नहीं पीता है वो कैसे रहते हैं, उसका बातचीत कैसे रहते हैं। उसको बात करने तक नहीं दिया है, हम भी बात नहीं कर पाया ना, मीडिया लोगों से बात करने दिया। हम एक सोशल वर्कर है, अनामिका मंडल मेरा नाम है, उन लोगों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लगा, यहाँ पे मेरे को आंखों का सामने दिख रहा है जो पुलिस वाला होके पुलिस का मदद हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम अनामिका जी लगा रही हैं कि एक पुलिस वाला जो है अपने ही दूसरे पुलिस कर्मी की मदद कर रहा है, जब इन्हें ये पता चला कि जो कार वाला व्यक्ति था वो भी पुलिस विभाग को बिलोंग करता है। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि कोई चाहे कितनी पहुंच क्यों ना रखे, कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो पुलिस वाला हो या देश का कोई बहुत बड़ा मंत्री ही क्यों ना हो या फिर गरीब इंसान हो। कानून अंधा होता है, कानून ने सिर्फ सबूत देखना है, कानून जो है इंसाफ देखती है और वो जात पात धर्म ऊंच नीच या किसी के काम या व्यवसाय को नहीं देखती है। मैंने जबकि अपना आंखों से देखा वो आदमी ड्रिंक किया हुआ है, देख के मेरे को लगा और वो सही 100% सही बात है। हम ये तक बोलिए अगर यहाँ से मुझे सही रिजल्ट नहीं मिला तो मेरे को बताइए, हम प्राइवेट में कराएगा उसको, अपना अंडर में लेके कराएंगे उसका ब्लड टेस्ट, तो वहां से मेरे को कोई परमिशन नहीं दे, मेरे को निकाल दिया गया है। अगर ये गराचरमा मेडिकल से उनका ब्लड टेस्ट में ये नहीं दिखा रहा है जो दारू पिया हुआ नहीं था, तो मेडिकल का ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। आज जो डॉक्टर मौजूद है उनका ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। मेरा एक और एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं इंसाफ हो सही इंसान का साथ में। कोई पावर में है इसका मतलब ये नहीं है पावर का गलत इस्तेमाल करे। जब वहाँ पे मतलब ये भाई सामने आ रहा था, मतलब उनके पीछे पीछे जो बाइक वाले थे उनके पीछे आ रहा था, तो ये भाई मतलब उनको कार वाला को रुका रहा था। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वो कार वाले अपने कार पे बैठा हुआ था और उनको ये भाई उतार रहा था। तो ये भाई जब उतारने गया तो कार वाला बोल रहा है कि कितना देना है, कितना देना बताओ। ये बहुत गलत बात, यानी कि उसे एहसास हो चुका था कि उसकी गलती हो गई है करके वो पैसा देकर निपटाने का प्रयास कर रहा था, यही कहना है आपका। कार से नहीं उतारना चाहता था, मतलब अराउंड 50 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे वहाँ पे, लेकिन सब हर बंदा वो बाइक वाले के पास था, बस ये कार वाला अपने कार पे बैठा हुआ है, ये उतरना ही नहीं चाह रहा था। और जब उतरा तो उसके बाद में हम लोग भी गए वो कार वाले के मतलब बाइक वाले के पास, बाइक वाला ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था उसके बाद में हम लोग, हाँ ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था, मतलब समझ नहीं आ रहा था उसको कहाँ लगा कहाँ है, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली इसी वजह से अनामिका जी और विश्वास जी कह रहे हैं कि वे जो है पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो कार वाला बंदा था वो एकदम बहुत ही बुरी तरीके से ड्रंक स्टेट में था। इंसानियत के नाते ही सही, कम से कम उस बंदे को बाहर निकल कर आना चाहिए था जो वो नहीं कर रहा था। तो या तो वो बहुत ज्यादा डर गया था कि लोग अगर वो बाहर निकलेगा तो लोग उसे मारेंगे, या तो वो इतनी बुरी तरीके से पिया हुआ था कि उसको उस वक्त इंसानियत भी समझ नहीं आ रही थी कि इंसानियत के नाते कम से कम उसे बाहर आना चाहिए। जब लोग उससे आग्रह कर रहे हैं कि बाहर आइए और कम से कम देखिए और उसको जो भी जरूरी इस वक्त मदद चाहिए वो दिलाइए, तो इसी विश्वास से ये कह रहे हैं कि इनका जो है 100% जल्द से जल्द मेडिकल टेस्ट कराना और ये चेक करना कि उनका अल्कोहल लेवल कितना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अल्कोहल लेवल नीचे होता जाएगा, कल को ये बात ना हो जाए कि उन्होंने ड्रिंक किया ही नहीं था, ये किसी प्रकार की ट्रैफिक नेग्लिजेंस है। लेकिन जितने लोग हैं वहां, अभी हम उस भीड़ में भी जब हम वहां पर खड़े थे, उनका भी यही कहना था कि कार वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा नशे में था, उसे होश ही नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, किसे देख रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो खड़ा होने के भी लायक में नहीं था, और फिर इस अवस्था में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सब जानते ही हैं। और सर मेरा और एक सवाल है पुलिस वालों से, जो मेरा मेरा नहीं यहाँ का हर आइलैंडर्स का बात है, जो अभी हमारे नए अजय सर ने जो DSP है जो उन्होंने नया रूल बनाया है कि बच्चों को हेलमेट के लिए जो मतलब बात कर रहे थे, तो हमारा एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ये है कि
हम भी एक ही चीज फेस करते हैं, हम भी कभी कभार ड्रिंक्स करते हैं या कभी कभार ऐसा होता है कभी हेलमेट घर पे भूल जाते हैं या कभी रैश ड्राइविंग करते हैं तो चलान वाले हमें भी मतलब जो पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले हमें भी पकड़ते हैं, या कभी कभार ऐसा हो गया कभी ड्रिंक एंड ड्राइव में हमें कभी कभार बियर वगैरह पी के हम अगर आते हैं तब हमारे साथ जिस तरह आज ये जो इंसान था कार वाला उनके साथ जिस तरह किया है हमारे साथ वैसा नहीं करते। उनको कार में बिठा के रखा है एटलीस्ट कम से कम एक घंटा से वो एसी में बैठे हैं मजे जी कार में बैठे हैं और एक जन का ट्रीटमेंट अपनी कार नहीं वो पुलिस कार पुलिस में पीसीआर में पुलिस कार में बैठे हैं। बट हमारे साथ क्या होता है हमारे साथ मेडिकल कराने आते हैं हमें मेडिकल का यहाँ पे बिठा के रखते हैं बहुत देरी तक बिठा के रखते हैं हमें हैरास करते हैं। भले हमारे गलती हो हम अपना गलती होते हम एक्सेप्ट करते हैं हम ड्रिंक है हाँ जो भी है बट ये चीज़ सही नहीं है। अगर वो पोस्ट में है या वो पुलिस वाले है तो उनको आप कार में बिठा के रखेंगे और बाकी को आप जो है ट्रीटमेंट करने अंदर देंगे क्यों? वो भी अगर बाहर आते तो सबको उनको भी देख पाते वो भी ड्रिंक है करके और आई विटनेस होता कि हाँ नहीं वो ड्रिंक है बट उनको कार में बिठा के क्यों रखा गया। जो सवाल अभी विश्वास जी ने उठाया ये बहुत ही जायज सवाल है कि फिर ये भेदभाव किस लिए? क्या इसलिए क्योंकि वो खुद जो कार ड्राइवर है वो खुद पुलिस विभाग का व्यक्ति है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हम अवश्य प्रयास करेंगे कि डीएसपी ट्रैफिक से हम इस मिले और उनसे बात करें और इसकी पूरी जो जानकारी होगी उसका अपडेट भी हम आप लोगों को अवश्य देंगे। आम जनता की बहुत सारी शिकायतें हैं जो अक्सर हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस सच्चाई को जानने के लिए हम पुलिस स्टेशन पहाड़गांव गए थे और हमने वहाँ पे थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास किया तो हमें सूत्रों से ये पता चला कि वो जो व्यक्ति है वो मिडिल एज मैन है जो एक IRB का स्टाफ है और उसे वहां पर पुलिस कस्टडी में ही रखा गया है एंड इन्वेस्टिगेशन होगी और उनके ऊपर में जो है जो भी कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी वो किया जाएगा। क्योंकि वो IRBN का स्टाफ है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी तो जिसके लिए हम हमारे पुलिस विभाग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं दिखाया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी कानून के तहत वो उन पर किया जाएगा। हमने जो कैजुअलिटी में जो डॉक्टर्स थे उनसे भी बातचीत की और वहाँ पर मौजूद कई सारे लोग थे और सूत्रों ने हमें ये बताया कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन शोल्डर डिसलोकेशन सस्पेक्ट किया जा रहा है मगर एकदम पुख्ता नहीं है अभी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है लेकिन दोबारा से एक्सरे होगा और फाइनल रिपोर्ट जो भी होगा वो बताएंगे लेकिन ज़्यादा डॉक्टरों को यही शक है कि उनका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया है और वहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। साथ ही मरियप्पन जी ने जो है अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की भी शिकायत बताई है जिस पर जीबी पंत अस्पताल में जो मौजूद डॉक्टर हैं वो उसकी जांच कर रहे हैं। हम आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर देंगे कि मरियप्पन जी की स्वास्थ्य की हालत क्या है उनको क्या क्या तकलीफें हुई। तो वहीं हम जीबी पंत अस्पताल के बाहर आके हमने जो है मिश्रा जी जिनकी कार वो ड्राइव करते हैं मरियप्पन जी हमने उनसे बात की उनके पिताजी से भी बात करने का प्रयास किया। जैसा चश्मदीदों का भी कहना था कि जो विक्टिम है जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था मिस्टर मरियप्पन जी उनकी कोई गलती नहीं है चश्मदीदों ने भी यही कहा है। फिलहाल उनको जो है जीबी पंत अस्पताल लेकर आया गया है उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि उनका एक्सरे हुआ है और एक्सरे में क्या रिपोर्ट आता है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम चाह रहे हैं कि हम जो है मरियप्पन जी जो एक प्राइवेट गाड़ी ड्राइवर हैं मिश्रा सर की जो गाड़ी है उसको ड्राइव करते हैं हम मिश्रा सर से मरियप्पन जी के बारे में जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार। ऐसा है जो हमारे ड्राइवर हैं 4-5 साल से हमारी गाड़ी चलाते हैं पर आज दुर्भाग्य कहें या क्या कहेंगे जो विजयपुरम जो नाम हमारा अब यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर का यहाँ पे इस कंडीशन में आप देखें कि इसको लेके आया गया है और उसका जो इंजरी है वो तो अब देखने लायक कि भगवान ही मालिक है कि मतलब इस कंडीशन में होगा। उसके दो छोटे छोटे लड़की बच्चे हैं और जो इसको मारा है वो पुलिस IRBN में पुलिस स्टाफ है वो सस्पेंडेड है। ताजुब इस बात की इतने नशा में है कि इसको ये नहीं पता है कि मतलब वो क्या खड़ा है बैठा है गाड़ी चला रहा है एकदम से भी मतलब किसी भी कंडीशन में बोलने लायक नहीं है। वो आदमी गाड़ी रोड में चलाता है जिसका वजह से ये दुर्घटना होता है और इसका दुर्घटना होने से कि एक आदमी अपना तो लाइफ बर्बाद किया उस ड्राइवर का भी लाइफ बर्बाद कर दिया जिससे कि इसका परिवार दो छोटे छोटे लड़की बच्चे वो कहाँ जाएंगे अभी और कौन इसको पूछने वाला है। ये जानना चाह रहा हूँ कि मरियप्पन जी आपके साथ कितने साल से काम कर रहे हैं? 4-5 साल से हमारा ड्राइवर है। अभी उनका कोई कंप्लेंट वगैरह अभी आज तक वो लड़का इतना बढ़िया है कि मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है। गाड़ी बहुत 40 के स्पीड में जाता है ये भी नहीं कि मतलब जरा से भी कोई चलान तक नहीं है गाड़ी का उसका लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि अंडमान निकोबार का
जो नशा के चक्कर में कई घर बर्बाद हो रहे, और सामने आपका एग्जाम्पल है कि ये जो घटना घटा है दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अभी हम मरियप्पन जी के जो पिताजी हैं उनसे भी जाना चाहेंगे, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। वही सर, अंडमान में जो नशा का वजह से मेरा लड़का का सारा हालत कर दिया, कोई पुलिस ठीक से चेक करेगा तो आज हम फोर व्हीलर जो चलाते हैं पी के चलाते हैं उस लोगों को पकड़ नहीं सकते सर। इतने दुख में है कि उनसे कहा भी नहीं जा रहा है, और हमसे कह रहे थे वो नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने यही कहा है कि जो फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं उनको ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए, ताकि ऐसे टू व्हीलर्स या राह चलते लोगों को इस तरीके से मार कर ना चले जाए। घर का जो ब्रेड अर्निंग मेंबर है, जो कमाता है, वो इस वक्त लाचार अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि उसका जो है एक शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है, या उसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है। एक और बार एक्सरे के लिए अभी डॉक्टर्स उनको भेज रहे हैं ताकि एग्जैक्ट रिपोर्ट मिले। हर बार हम आप लोगों को जब भी किसी सड़क दुर्घटना के बारे में दिखाते हैं कोई भी एपिसोड में, तो हम वही बातें आप लोगों के सामने रिपीट करते हैं, वही बातों को हम बार बार दोहराते हैं कि नशे की हालत में गाड़ियां ना चलाएं। आप खुद परेशानी में आते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो, उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हो। देखिए ना, आप खुद इस बात को जरा गौर से देखिए कि आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, आपकी इज्जत मिट्टी में मिली, आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है, लेकिन जिसके साथ आपकी दुर्घटना हुई उनका क्या हुआ? वो एक ऐसे इंसान है जो अपने दो बेटियों के साथ रहते हैं, अस्टीनाबाद का निवासी है, किसी काम से वे जो है ग्यारह चरमा की तरफ जा रहे थे तब ये सड़क दुर्घटना होती है। इसकी सीसीटीवी फुटेज का भी हमें इंतजार रहेगा कि एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे जो है I-10 कार के जो ड्राइवर है वो आ चुका था दूसरे लेन में, कि उसने जो है उस लेन से आने वाले मरियप्पन जी को ऐसी ठोकर मारी कि वो जो है इस वक्त अस्पताल में पड़ा हुआ है। अब उनके घर का, उनके परिवार का क्या होगा? वो एक प्राइवेट कार ड्राइवर है, कितनी होगी उनकी तनख्वाह? 12-15-18-20 हजार, उससे ज्यादा तो नहीं। उसी पैसे से वो अपने दो बेटियों के साथ, अपने बीवी के साथ अपना पूरा परिवार को चलाता है। अब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? ये सारी चीजें सोचने वाली बात होती है। उनके पिताजी का क्या होगा? उनके भाई बहन जो सब उनसे इतना प्यार करते हैं, सब लोग जो इस वक्त उनका हाल देखने के लिए यहाँ अस्पताल में भी आए हैं, उनका क्या होगा? यही बातें हम अक्सर आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि आप एक इंसान का दुर्घटना करते हो, मगर उनसे जुड़े तमाम जो लोग होते हैं, उनके शुभ चिंतक, उनके दोस्त, उन सब के जीवन पर भी असर पड़ता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि कृपया नशे की हालत में गाड़ी कभी ना चलाएं। नशे की हालत तो छोड़िए, जो जो ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं वो इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर ही बनाए गए हैं, कि आपने सीट बेल्ट क्यों डालना है, अपने हेलमेट क्यों डालना है, आपने अपने गाड़ियों के पेपर्स क्यों अपडेट रखने हैं, अपने लाइसेंस क्यों अपडेट करने हैं, वगैरह वगैरह। ये जितने भी ट्रैफिक के नियम हैं इनको अगर हम पूरी सख्ती के साथ इसका पालन करेंगे तो यकीन मानिए कि हमारे अंडमान निकोबार में एक भी सड़क दुर्घटना नहीं होगी। कोई भी हमारा अंडमान का द्वीपवासी ना तो अपाहिज होगा, ना उसकी जान जाएगी सड़क में, लेकिन जरूरत है तो हम सबको इस बात से जागरूक होने की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिसने एक्सीडेंट किया उनका क्या? उनको बेल मिल जाएगा, कुछ दिनों में वो छूट जाएंगे, उनको तो जेल तक भी नहीं होता है, बस केस रजिस्टर होता है, फाइन चढ़ जाता है। आप कमेंट सेक्शन में देखते हो कि लोग कैसी कैसी मांगे करते हैं। कितने सारे सड़क दुर्घटना का हमने कवरेज आप लोगों के सामने रखा, उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में देखिए लोग कैसी कैसी राय देते हैं, जो हम अपने जुबान से बोलना तक नहीं चाहते कि कानून को सख्त किया जाए। आज एक मरियप्पन जी के अस्पताल में पहुंचने से क्या आपको अंदाजा है कि उनके घर आने वाले दिनों में उनके घर का क्या माहौल होगा? क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे? क्या आप उनके परिवार को पालोगे, पोसोगे, उनके बच्चों को पढ़ाओगे? क्या आप उनके बच्चों की हर मांग को पूरी करोगे? नहीं।
तो फिर क्यों ये गैर जिम्मेदाराना हरकत से आप गाड़ियां चलाते हो, ये लोग पूछते हैं और ये एकदम जायज सवाल भी है। हमारे पुलिस विभाग को हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 140 करोड़ निवासी के पीछे एक एक पुलिस वाला नहीं हो सकता है। तो हमारी सरकार कहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कहिए, हमारी प्रशासन कहिए, विज्ञापन के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, अखबारों के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, हर माध्यम से वे जो है आए दिन कोई ना कोई विज्ञापन देते रहते हैं कि क्यों हम लोगों को जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हम खुद के लिए, हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम किसी भी ट्रैफिक नियमों का अगर हम उल्लंघन नहीं करेंगे तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे। अगर हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो हम औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, वे लोग भी सुरक्षित रहेंगे, तो फिर सड़क दुर्घटनाएं होंगी ही नहीं। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि अब मरियप्पन जी के परिवार का क्या होगा, उनकी दो बेटियों का क्या होगा। अगर भगवान न करे कोई बड़ी समस्या आ गई उनके शरीर पर, उनकी रीढ़ की हड्डी में अगर ज्यादा चोट लग गया हो, या उनका हाथ कभी काम ना करे, तो फिर क्या होगा, कभी सोचा है? इसीलिए बार बार सरकार प्रशासन भी कई विज्ञापन छापते हैं जगह जगह पर। मैं अक्सर कहता हूं कि 5-10 मिनट आप देर पहुंच जाओ, आधा घंटा एक घंटा आप देर पहुंच जाइए, लेकिन आप पहुंच तो जाओगे। जल्दबाजी के चक्कर में, ओवरटेकिंग करने के चक्कर में अब कहां पहुंचे, एक पुलिस स्टेशन में और दूसरा यहां पर अस्पताल में, आपका काम तो नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं इट्स बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं पहुंचने से भला है कि थोड़ी देर से पहुंच जाए। इन बातों को कृपया करके बहुत ही गंभीरता से लीजिए, और हम सबको खुद को जागरूक करना है ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए, और ये देखना है हम सबको कि हमारे अंडमान निकोबार में अब इन सड़क दुर्घटनाओं को हमें खुद ही रोकना है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज अंडमान 24/7, जय हिंद।